असलक्रम वरहल वक् आप सभी लोगों को मलिका का सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को वेरी वेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रिमार्ट और मैं यहाँ पर आई थी शेकर कप लेने अब्बू आजकल डाइटिंग शुरू किए हैं तो उन्हें एक शेकर कप चाहिए था अच्छा वैसे तो अब्बू के पास तीन चार शेकर कप्स घर में पड़े हुए हैं लेकिन उन्हें न्यू चाहिए था क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है और काफ़ी टाइम बाद अबू जिम वापस से स्टार्ट किए तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका पेट भी बहुत ज़्यादा बाहर आ गया था बहुत ज़्यादा ही उन्होंने वेट जो है गेन किया है तो लगे तो अब मैं भी सोच रही रूँ कि मैं भी अपना थोड़ा सा वेट लूज़ कर लूँ क्योंकि आज आप लोग देख रहे हैं हम कितना बाहर का खा रहे हैं और उसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा हम गेन कर रहे हैं और वो तो हेल्दी भी नहीं है और यहाँ पर मैं वाटर बॉटल्स भी लेने लगी हूँ घर के लिए मुझे चाहिए थी तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया वहाँ पर काफ़ी सारे थे लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा क्योंकि इसके थ्री फोर यूजेस हैं एक साथ इसको अभी मैं घर जाके आपको ओपन करके भी दिखाऊंगी काफ़ी अच्छा है ये तो यहाँ पर शाम का वक्त हो रहा था और अबू को मैं कुछ लाइट सा दे रही थी वैसे उन्हें सैलड चाहिए था तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा चाट बना लिया था इसमें मैंने कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया जिससे वेट गेन हो कुछ लोग मैंगो वग़ैरह भी यूज़ करते हैं और चना भी मैंने बॉईल कर लिया था तो अभी मैं आप लोगों को इसे ओपन करके दिखाती हूँ इसके अंदर शेक करने के लिए उन्होंने एक स्प्रिंग भी दिया था जिससे कि वो जल्दी शेक हो जाए वरना तो बहुत मेहनत लगती है मैंने करके देखा अब्बू मुझसे ही करवाते थे जब वो डाइटिंग शुरू किए थे और उसमें बहुत टाइम लगता था तो यहाँ पर इसके नीचे ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए भी इन्होंने पोशन दिया हुआ है तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आप ड्राई फ्रूट्स के अलावा कुछ और भी आप रखना चाहते तो वो भी रख सकते हैं मेरा भाई तो बोल रहा था इसे मैं कॉलेज लेके जाऊंगा इसमें छिट रख के मैं कॉपी करूंगा ऐसी चीज़ों में बहुत दिमाग चलता है मेरे भाई का लेकिन अगर देखा जाए तो हम कर सकते हैं कॉपी लेकिन करना नहीं कोई और यहाँ हो रहा है सुबह का वक्त और कॉलेज आके पता चला वहाँ पर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन करके रखे थे क्रिसमस की काफ़ी सेलिब्रेशन हुई हमारे कॉलेज में और कुछ तो अभी पेंडिंग है इवेंट्स सुबह सुबह वैसे तो बहुत नींद आती है क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन हम फर्स्ट टाइम ऐसे जा रहे हैं वरना तो हमारा दोपहर में ही कॉलेज हुआ करता था बट आजकल कॉलेज में भी काफी मजा आ रही है वहाँ पर बहुत इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं बस रिजल्ट की टेंशन है इन पास हो जाऊँ सिर्फ पास नहीं होना है अच्छे ग्रेड्स लाने हैं आप लोग दुआ करना मेरे लिए और यहाँ पर मैंने अपने लिए ये बॉयल चिकन करके सैंडविच बना लिया था तो मैंने अपने वाले में बटर नहीं लगाया क्योंकि मैं भी तो थोड़ी बहुत डाइटिंग चालू की हूँ अभी चिकन में टर्मरिक और सॉल्ट मैंने हल्का सा यूज़ करके उसे बॉयल कर लिया था फिर उसके बाद उन्हें मैंने हाथों की मदद से श्रेड कर लिया बारीक बारीक मैंने उसे मिक्सर में नहीं पीसा और मैंने म्योनीज और हल्का सा केचप और औरिगानो डाल के उसे मिक्स किया और ब्रेड पे लगा के टोस्ट कर लिया और अपनी बहन के लिए मैंने बटर डाल के टोस्ट किया था सुबह से शाम तक मैं अपनी डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही थी और शाम में अपी ने सारी चीज़ें लाकर उसे ख़राब कर दिया मैंने अपने दिल को समझा लिया आज तो पहला दिन था कल से एकदम स्ट्रिक्ट डाइट करूँगी लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है वैसे अपी काफ़ी कुछ लाई थी हमारे लिए लेकिन अबू की डाइटिंग नहीं टूटने दी मैंने यहाँ पर मैं अपना डिनर इंजॉय करने जा रही हूँ आप लोग देख के इंजॉय कर लीजिए मैं तो खाने वाली हूँ छोटा सा ब्लॉग था लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना तब तक के लिए दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज़